दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और 24 फरवरी को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का आगाज होने वाला है, लेकिन इस आगाज से पहले ही भारतीय टीम को जो है एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। हार्दिक पांड्या को लोअर बैक इंजरी की समस्या हो गई है और ऐसे में वो पूरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज से हैं बाहर हो गए हैं। ऐसे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हार्दिक के IPL में खेलने को लेकर। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या IPL में खेलें तो कर दीजिए इस वीडियो को एक जोरदार लाइक। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या को IPL में खेलने को लेकर अभी सस्पेंस बनाया हुआ है, और वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की भी सांस रुकी हुई है, क्योंकि हार्दिक एक ऐसा प्लेयर है जो कभी भी मैच का रुख पलट सकता है। तो ऐसे में उनका खेलना या ना खेलना मुंबई इंडियंस के लिए बहुत मायने रखता है। सूत्रों के अनुसार हार्दिक पांड्या को मैदान में वापसी करने के लिए अपने कोर को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके लिए NCA में उनको कोर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और हार्दिक को एक स्पेशल रूटीन को फॉलो करवाया जाएगा, जिसका कि हार्दिक को 3 सप्ताह तक पालन करना होगा। और ऐसे में IPL में खेलने या ना खेलने का निर्णय अधिकारियों ने 3 हफ्ते के लिए जो है वो टाल दिया है। NCA के 3 हफ्ते के ट्रेनिंग के बाद ही हार्दिक पांड्या का फिर से फिटनेस टेस्ट होगा, और उस टेस्ट के बाद ही उनके IPL में खेलने या ना खेलने को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि 30 मई से वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो ऐसे में हार्दिक की फिटनेस बहुत ही जरूरी हो जाती है इंडिया की टीम के लिए। तो ऐसे में हमें यह लगता है कि BCCI जो है वो यहाँ पर कोई भी रिस्क जो है लेना नहीं चाहेगा, और यहाँ पर IPL में हार्दिक का खेलना यहाँ पर हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें फाइनल डिसीजन का वेट करना चाहिए जो कि BCCI लेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या हार्दिक को IPL में खेलना चाहिए या नहीं। और क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।